वैसा भी देख रहे हो लड़की क्या करी, हमारे ब्लॉग्स में ओवर एक्टिंग रहती है, फ्लाइंग मिस्ट के जो ब्लॉग्स होते हैं वो नेचुरल रहते हैं। क्या हुआ बेबी, क्या हुआ, क्यों रो रही है, क्यों रो रही है, नहीं रोते, रोते नहीं है, रोते नहीं है, रोते नहीं है, ये ब्लॉग की स्टार्टिंग करें। हेलो नमस्ते दूसरी गर्ल मरहबा नहीं हाला चाहते, दिस इज ब्लेसिंग तोमर एंड दिस इज प्रणवी तोमर, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल गर्ल राइट विनय। हैं ये ब्लॉग की स्टार्टिंग कर ली हमने, है ना बेबी, कर ली कर ली कर ली कर ली, ये बल्ले बल्ले बल्ले। कितनी ड्रामेबाज औरत है, कल ये मिठाई नहीं खा रही थी और आज देखो मिठाई खा रही है, कसम से इसको कहते हैं क्या, दोहरा दो चेहरे का इंसान। कल भी प्रसाद ही था। हाँ तो कल लिया नहीं था ना, इसलिए आज लिया। अच्छा तो अभी मैं और बेबी बैठ के साथ में काम कर रहे हैं, है ना बेबी, बेबी पापा के साथ में बैठ के काम कर रही है। ये देखो यहाँ पर हमने लैपटॉप रखा है, ऐसे हम बैठ के काम कर रहे हैं, बेबी भी काम कर रही है, बेबी मेरे को बता रही है कैसे डेवलपमेंट करना है। पापा मैं बताऊंगी आपको कैसे डेवलपमेंट करना है ना बेबी। हाँ चलो स्टार्ट करें काम, वेरी गुड। पूजा पूजा हमें हमारे वस्त्र दे दिए जाए ताकि हम जिम के लिए परफॉर्म कर सकें। हमारे पास कोई भी अच्छा, बेबी ने कमाई कर ली। चलो बेबी की पहले कमाई जो है वो पहले खत्म करो, उसके बाद हमारे वस्त्र दिए जाए ताकि हम, हमारे पास आपकी कोई भी वस्तु नहीं है, वस्तु नहीं है। और अभी हम निकल रहे हैं जिम के लिए और आज हमने नहाया नहीं है। क्यों नहीं नहाया, क्योंकि आज ग्वालियर में क्या बरसा था, पानी, पानी बरसा था। सिर्फ हाँ सिर्फ मैंने नहीं नहाया, तुम गलती से नहा ली, तो अभी आज नहाया नहीं हूँ क्योंकि आज ग्वालियर में पानी बरस गया था, जिस वजह से ग्वालियर में काफी ज्यादा ठंडी है। तो अभी सीधे जिम चलते हैं और जिम पे जाके थोड़ा वर्कआउट वगैरह करते हैं, शरीर के अंदर गर्मी लग के आते हैं ताकि हम कल नहा सकें। तो अभी जिम में आ गया हूँ एंड आज जिम में मैं जितनी भी एक्सरसाइज करूँगा वो सारी की सारी ब्लॉग में कवर करने की कोशिश करूँगा। तो सीधे चलते हैं जिम की तरफ। सो आज चेस्ट का वर्कआउट कर रहे हैं और चेस्ट का वर्कआउट करने से पहले थोड़ा सा वार्म अप कर रहे हैं। आज हम लोगों ने किया चेस्ट का वर्कआउट, भैया वगैरह लोगों ने, दो दिन से ऐसा हो रहा है कि मैं लेट आ रहा हूँ तो भैया वगैरह पहले स्टार्ट कर देते हैं, मैं बाद में स्टार्ट करता हूँ। और अब तो एल के भी वेट नहीं करता, कल से हम बट 8 बजे आ जाएंगे तो साथ में करेंगे। एंड अभी सबसे जो टफ पार्ट है रनिंग वाला पार्ट जिसमें हमारी हालत ख़राब होने वाली है, उसके लिए जा रहे हैं सबसे पहले मैं, फिर तू, उसका सर भैया, भैया लास्ट में एकदम, भैया क्या करते हैं सबके रिकॉर्ड तोड़ते हैं, भैया थोड़ा नहीं भगते, भैया ज्यादा भगते हैं इसलिए सबके रिकॉर्ड तोड़ते हैं, वो देखते हैं पहले कौन कितना भागा है उसके बाद सबके रिकॉर्ड तोड़ूंगा। है कंपटीशन होना चाहिए, कंपटीशन होना चाहिए, कंपटीशन, ये बात भैया वैसे कम बोलते हैं, अब धीरे धीरे बोलना स्टार्ट करते जा रहे हैं, जैसे जैसे ब्लॉग में आते जा रहे हैं धीरे धीरे वो खुलते जा रहे हैं, बस इसका स्टार्ट हो गया। चलो फिर अब रनिंग स्टार्ट करते हैं। ये हमारे विनय भैया रनिंग करते हुए, आज इनको बहुत रनिंग करनी है, मैंने इनको 12 किलोमीटर का टारगेट दिया है, अब देखते हैं कितना करते हैं। वैसे जहाँ तक है टारगेट इनका पूरा हो सकता है, बहुत बढ़िया स्पीड भी इनने बहुत बढ़ा ली है। पूरे 1.5 घंटे में जिम करता हूँ उसमें मेरे को बिल्कुल पसीने नहीं निकलता, बट रनिंग करता हूँ मैं सिर्फ 7 मिनट उसमें पूरा पसीने से ना जाता हूँ मेरे को। सो अभी एल के कर रहा है रनिंग, नमस्कार राजा भैया करेंगे। ये देखो भाई साहब आपने पहली बार देखा होगा एकदम हाथ में फ़ोन लेके ऐसा रनिंग करता हुआ बंदा, कैसे हटा दिया ये बहुत सही है, ये बहुत सही है। अब देख 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 गिरनी पड़े, अरे आराम से गिर पड़ेगा। तो हम वेट कर रहे थे कि राजा भैया आएंगे, बट राजा भैया यहाँ पर अपना एक प्रोग्राम सेट करके बैठे हुए हैं, प्रोटीन ले रहे हैं, आज रनिंग कैंसिल हो गया। हम सोच रहे थे कि राजा भैया आज हमारा रिकॉर्ड तोड़ेंगे तो हम थोड़ा ज़्यादा दौड़ेंगे, मैं चक्कर में ज़्यादा दौड़ रहा हूँ, भैया यहाँ पर अपना मामला सेट करके बैठे। ये भैया के टैक्टिक्स हैं कि कैसे बच्चों को ज्यादा वर्कआउट करवाना है, क्यों क्या। तो भैया के यहाँ पर जिम आने का एक फायदा यह है कि भाई हमें बैठे बैठाए सब्सक्राइबर मिल जाते हैं। ये देखो एक भाई हमारा सब्सक्राइबर मिल गया हमें, मतलब इसने हमारे चैनल अभी सब्सक्राइब किया, मतलब भैया के यहाँ पर आके हमारे सब्सक्राइबर भी बढ़ रहे हैं। क्या नाम है भाई अपना, दीपू श्रीवास, दीपू श्रीवास। तो दीपू श्रीवास भाई ने अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया, देखो ऐसे सब्सक्राइबर बढ़वाने पड़ रहे हैं। तो अभी देखो एल के वो जा रहा है और अभी हम भी जा रहे हैं, हल्की हल्की बारिश पड़ना स्टार्ट हो गई है और ये राजा भैया जा रहे हैं अपनी बुलेट से, ठीक है राजा भैया। चलो भैया अभी हल्की हल्की बारिश पड़ना स्टार्ट हो गई है, जल्दी जल्दी घर पर पहुँचते हैं। और भाई साहब यहाँ सामने देखो, ये देखो ये रास्ता बड़ा खतरनाक सा बना रखा है इन लोगों ने,
ये एडवेंचर करते हुए निकलेंगे हम। हल्की गाड़ी से आगे निकलना है, बस गाड़ी फिसल ना जाए हमारी। अरे भाई साहब आगे ये निकल गए। बिटोला क्या कर रही है? बिटोला टीवी देख रही है। भाई साहब दिन प्रतिदिन इसकी टीवी देखने की आदत बढ़ती जा रही है। देखो अब ये सीरियल देखने लगी, पहले बच्चों की पोएम सुनती थी, अब सीरियल देखने लगी। हाँ अभी से सीरियल देखने लगी अभी से। हाँ पूजा क्या कर रही हो? ब्लॉग्स देख रही हो? हमारे ब्लॉग्स देख रही हो? अरे ये तो फ्लाइंग विश के ब्लॉग है। अरे वाह तुम फ्लाइंग विश के ब्लॉग देखती हो? भाई साहब पहले लड़की कुछ नहीं देखती, जब से हमने ब्लॉगिंग स्टार्ट किया तब से ये सारे ब्लॉग्स देखने लगी है फ्लाइंग विश के। और किसके ब्लॉग्स देखती हो? फिलहाल सिर्फ फ्लाइंग विश के देखती हो। सौरभ जोशी की? MSK के देखती थी। वाह तभी मैं जिम से एक्सरसाइज वगैरह करके आया हूँ, बहुत जोर की भूख लगी है। बट मैडम है कि फ्लाइंग विश के ब्लॉग देखने में लगी हुई है। मैडम ऐसा क्या देखने में बिजी हो तुम? पति भूखा बैठा है यहाँ पर। मिल जाएगा तो अच्छा ये बताओ कि तुम्हें फ्लाइंग विश के ब्लॉग में क्या अच्छा लगता है? अच्छा हमारे नेचुरल नहीं होते मतलब? अच्छा हमारे में ओवर एक्टिंग रहती है क्या? भाई साहब ये देख रहे हो लड़की क्या कह रही है, हमारे ब्लॉग्स में ओवर एक्टिंग रहती है, फ्लाइंग विश के जो ब्लॉग्स होते हैं वो नेचुरल रहते हैं। नहीं 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 मतलब ओवर एक्टिंग नहीं है, नेचुरल लगता है जो भी है रियल। फ्लाइंग विश के ब्लॉग मेरे को भी देखना पसंद है, मतलब मैं भी देखता हूँ फ्लाइंग विश के ब्लॉग्स। और मैंने फर्स्ट टाइम मेरे साथ ही देखा था, तुमने फर्स्ट टाइम मेरे साथ ही देखा था, लेकिन तब से फिर ये फ्लाइंग विश सर के ब्लॉग देखने लगी है। मतलब उनके ब्लॉग्स तो ये ना डेली से उठ के देखने लगती है कि, और हमारे भी देखिए मतलब बहुत अच्छे ब्लॉग्स बनाते हैं सर, और उन्हीं से मैं सीखा हूँ फ्लाइंग विश से ब्लॉग वगैरह कैसे बनाए जाते हैं नेचुरल ब्लॉग्स, मतलब है ना वो जो बनाते हैं और जो अपनी लाइफ वगैरह दिखाते हैं तो बहुत अच्छा लगता है ना। कौन सा वाला देख रहे हो तुम? अच्छा ये अबू धाबी वाला, अभी फ्लाइंग विश सर ना अभी अबू धाबी में है तो वहाँ के जो ब्लॉग्स डाल रहे हैं तो वो देख रहे हैं। मैंने नहीं देखा ये वाला ब्लॉग। अरे एक काम करना खाना दे दे फिर अपनी साथ में देखेंगे ना, है यहीं पर रुक जाए साथ में देखेंगे। मैंने भी नहीं देखा ये वाला ब्लॉग। अच्छा खाना दे दे यार, आज क्या बनाया? आलू के पराठे बने आज। और आलू के पराठे मेरे फेवरेट हैं, तो अभी जल्दी से मेरे को आलू के पराठे दे दीजिए देवी जी। ओ ओ ओ भाई साहब आराम से तो जल्दी से हमारे आलू के पराठे दे दो। क्या बनाया हुआ है? आलू के पराठे कहाँ पर है? वाह और क्या बनाया हुआ है? गाजर का हलवा भी है? अरे वाह कहाँ पर है गाजर का हलवा? कहाँ पर है? वाह आज तो गाजर का हलवा, गाजर का हलवा बना लिया तुमने? मतलब ये लड़की वो डाइटिंग करने नहीं देगी। मैं डेली सोच के आता हूँ कि आज हम थोड़ा सा कम खाएंगे, बट ऐसा खाना बन जाता है, इतना स्वादिष्ट बन जाता है कि खाने का मन हमारा जो है हम खुद को कंट्रोल नहीं कर पाते। गाजर का हलवा, आलू के पराठे मेरे फेवरेट है। पूजा तुम्हारे फेवरेट है? तुमको हलवा कौन सा पसंद है? गाजर का। देखो हमारी पसंद कितनी मिलती जुलती है, गाजर का हलवा। आलू का हलवा, आलू का भी हलवा होता है क्या? आलू का हलवा फास्ट वाला। अच्छा फास्ट वाला, हाँ फास्ट में बनाते थे। तूने खा लिया खाना? अब क्या कर रहा है? मोबाइल चला रहा है। और आज नहीं देख रहा नेटफ्लिक्स की मूवी? मूवी नहीं देख रहा आज? देखूंगा ना। वाइटी आप यहाँ पर क्यों बैठी हो? ओ वाइटी वाइटी ओ वाइटी मैडम आप यहाँ पर क्यों बैठी हो? ये देखो क्यों मैडम यहाँ पर क्यों बैठी हो? इसको खाना नहीं दिया क्या? कभी कोई बैठी है? अभी आलू के पराठे खाए, आलू के पराठे खा के एकदम मज़ा आ गया, और अभी बहुत जरूर की नींद आ रही है बट सो नहीं सकते क्योंकि अभी ब्लॉग एडिट करना है, देन फिर उसके बाद उसको अपलोड करना है, और अभी सारा कुछ ऐसे डला हुआ है तो एक बार बिस्तर भी झाड़ेंगे। तो अभी फिलहाल जल्दी से एडिटिंग के लिए बैठ जाता हूँ और उस ब्लॉग को जल्दी से एडिट कर लेता हूँ, क्योंकि कुछ दिन से पता नहीं क्या हो रहा है हमारे लैपटॉप में, जब भी मैं वीडियो एडिट करता हूँ उसके बाद उसको एक्सपोर्ट करता हूँ तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा टाइम ले रही है एक्सपोर्ट होने में, 2-3 घंटे ले रही है, पता नहीं क्या हो गया है। और कल भी हमको 4 बज गए थे, सो अभी टाइम है तो जल्दी से उसको एडिट कर लेते हैं और फिर उसको अपलोड कर देंगे। एंड तो आज के ब्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं। अगर ब्लॉग अच्छा लगा हो तो आप लाइक कर दीजिएगा, अगर कॉमेंट करने का मन हो तो कॉमेंट भी कर दीजिएगा, और सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को अगर नहीं किया हो तो। सो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, फिट रहें। थैंक यू, टाटा बाय। और अभी हलवा भी खाना है ना, जल्दी से ब्लॉग एडिट कर लेते हैं।